मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास सेवन की मैथ्स की क्लास में स्वागत है बच्चों आपका। और हम पढ़ रहे थे इकाई सेवन वाणिज्य गणित। बच्चों हम लोगों ने सेवन सी के प्रश्न तक अभ्यास सेवन सी जो है हम लोगों ने हल कर लिए, और आज हमें स्टार्ट करना है सेवन डी। तो सेवन डी स्टार्ट करने के लिए बच्चों हम लोगों को कुछ फार्मूलों का पता होना जरूरी है। और इस सेवन डी जो हमारा अभ्यास है इसमें हम पढ़ेंगे लाभ और हानि से संबंधित जो है प्रश्न। तो हम लोगों ने बच्चों पिछली कक्षा में पढ़ा ही था कि लाभ और हानि क्या है, कब लाभ होता है, कब हानि होती है, और लाभ और हानि को ज्ञात करने वाले सूत्रों के संबंध में भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसके अतिरिक्त बच्चों दैनिक जीवन से संबंधित जो है इबारती प्रश्नों द्वारा प्रतिशत लाभ निकालना, प्रतिशत हानि ज्ञात करना भी हम सीख चुके हैं। अब प्रतिशतता के अनुप्रयोग से संबंधित लाभ हानि के विभिन्न आयामों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए बच्चों कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे। लाभ की स्थिति में बच्चों ध्यान दीजिएगा, सारे फार्मूले आप याद कर लीजिएगा। तो लाभ, अगर लाभ हो रहा है उस स्थिति में क्या फार्मूला होता है, तो लाभ बराबर होता है जो विक्रय मूल्य यानी जिसमें जितने रुपए में वस्तु को बेचा गया है बच्चों, विक्रय मूल्य उसे कहा जाता है, माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का तात्पर्य होता है जितने में कोई वस्तु खरीदी गई है। तो लाभ बराबर क्या होता है, जितने में बेचा गया है उसमें से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, यानी जितने में खरीदा गया है लाभ निकल आएगा कि इतने रुपए का लाभ हुआ उसे। तो अगर हम विक्रय मूल्य बराबर कहा जाए तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य को इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा लाभ प्लस क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये फार्मूला इस फार्मूले को बस पक्षांतरित करने पर एक और निकल आएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हमने कुछ नहीं किया, ऐसे इधर पक्षांतरित कर दिया है। और क्रय मूल्य बराबर अगर किया जाए क्या है, क्रय मूल्य को इस तरफ लेके आएंगे तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, है ना। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, जो बेचा है उसमें से लाभ को हम घटा देंगे तो वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। मेन फार्मूला हमारा क्या है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी से निकले हुए ये दो और फार्मूले हैं जो कि पक्षांतरित करके निकाले गए हैं। तो ये तीनों फार्मूले बन गए। तो इसके बारे में हमें मेन फार्मूला यही है और इसी को पक्षांतरित करके निकाला गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब हम चर्चा करते हैं प्रतिशत लाभ की। प्रतिशत लाभ क्या होता है, कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत हानि हुई, ऐसे प्रश्न होते हैं ना बच्चों। तो लाभ कितने प्रतिशत लाभ हुआ, इसके लिए क्या करेंगे, लाभ, ठीक है, जितना उसे प्रॉफिट हुआ है, लाभ का मतलब है प्रॉफिट ना, उसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बटे क्रय मूल्य करेंगे, जितने में खरीदा था और ये लाभ जितना उसे लाभ हुआ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक, तो ये हमारा किसका फार्मूला आ गया, प्रतिशत लाभ का। तो मेन जो दो फार्मूले आपको याद रखने हैं बच्चों तो वो ये फार्मूले हैं, लाभ बराबर वाला और क्रय विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये आपको ये फार्मूले अच्छे से याद हो जाने चाहिए। अब ये तो हमने चर्चा की थी लाभ की स्थिति के बारे में, अब हम देखते हैं हानि की स्थिति में क्या होगा। अब बच्चों हानि की स्थिति में क्या फार्मूला होगा, अगर उसको हानि हुई है, अगर किसी वस्तु को उसने बेचा है और उसे हानि हुई है, तब कैसे हम उस हानि को ज्ञात करेंगे। तो हानि हुई है इसका मतलब है कि जितने में उसने खरीदा था उससे कम में ही उसने बेचा ना, तो उससे कम में बेचा है इसका मतलब है कि उसको हानि हुई है। तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से, क्रय मूल्य मतलब वो जितने में उसने खरीदा था उसमें से जितने में उसने बेचा उसको विक्रय मूल्य को घटा देंगे, समझ में आ रहा है, तब हमारी क्या निकल आएगी, हानि निकल आएगी। तो हानि बराबर क्या हो गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जितने में खरीदा था और उससे कम में बेचा है तो हानि को ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य में से घटा देंगे, ठीक है, विक्रय मूल्य को। तो अब इसी तरह इसको पक्षांतरित कर दिया जाए तो हमारे पास दो और फार्मूले आ जाएंगे, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य को हम इस तरफ लेके आए हैं तो क्रय मूल्य माइनस हानि होगा, ठीक है, क्रय मूल्य माइनस हानि, ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। इसी तरीके से एक और फार्मूला आ जाएगा, क्या, क्रय मूल्य का, अगर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक,
ठीक है। अगर विक्रय मूल्य दिया है और हानि दी हुई है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्या कर क्रय मूल्य को इसी तरफ रहने देंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा क्रय मूल्य का फार्मूला। तो ये दो और फार्मूले, इसी जो हमारा ये मेन फार्मूला है वो ये है, और इसी से निकले हुए दो फार्मूले और हैं जो कि पक्षांतरित करके हमने निकाले हैं विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। अब बात आती है बच्चों हानि प्रतिशत की, कि हानि कितनी प्रतिशत हुई से हुई ना, अगर उसने कम में बेचा ठीक तो उसे हानि भी हुई और कितने प्रतिशत हुई। तो हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। जितने में जब भी हम निकालेंगे, चाहे हम वो लाभ निकालें चाहे वो हानि निकालें, उसे क्रय मूल्य के ही सापेक्ष निकालेंगे, ठीक है। कितने में उसने खरीदा उसी के सापेक्ष हमें पता चलेगा उसे लाभ हुआ है कि हानि हुई है। तो ये दो फार्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अभ्यास 7D की ओर। पहला क्वेश्चन है बच्चों, मोहन ने एक टेलीविजन सेट 10,200 रुपये में खरीद कर 2 वर्ष बाद उसे 11,730 रुपये में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो देख के बच्चों प्रश्न में समझ जाएंगे कि लाभ हुआ कि हानि हुई। तो उसने खरीदा कितने में था 10,200 में, बेचा कितने में है 11,730 में, बड़ी संख्या कौन सी है जो बेचा है तो ज़्यादा रुपये में बेचा है ना, तो उसे क्या होगा लाभ होगा, और लाभ होगा और उसमें पूछा गया प्रश्न में उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना है कि कितने प्रतिशत उसे लाभ हुआ। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे बच्चों। बच्चों जो जो चीज़ें इस प्रश्न में दी हुई है वो हम पहले नोट कर लेंगे। तो दिया हुआ है टीवी का क्रय मूल्य लिखेंगे, टीवी का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, कितने में खरीदा उसने टीवी, रुपए का निशान है बच्चों 10,200 रुपये में उसने खरीदा है, और टीवी का विक्रय मूल्य भी दिया है जितने में उसने टीवी बेची है, तो टीवी का विक्रय मूल्य ठीक है बेचा उसने कितने में है 11,730 रुपये में उसने बेच दिया है, ठीक। तो अब इसके बाद चूंकि विक्रय मूल्य क्या है क्रय मूल्य से अधिक रहता है, क्या होगा लाभ होगा, तो लिख दीजिएगा यहाँ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, अतः क्या होगा लाभ होगा, ठीक है। अब लाभ तो हुआ, अब कितना लाभ हुआ, तो लाभ वाला फार्मूला अभी अभी हम लोगों ने सीखा है, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जो बेचा है उसमें से जितने रुपए का खरीदा था उसको घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 11,730 रुपये में से 10,200 रुपये हम घटा देंगे तो कितना आया, आया 1,530 रुपये, ठीक है। ये इतने रुपए उसको क्या हुआ लाभ हुआ, तो लाभ तो हमें पता चल गया। अब हमें लाभ थोड़ी याद करना है, हमें तो याद करना है लाभ प्रतिशत। तो उसके लिए फार्मूला भी अभी हमने पढ़ा है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है बच्चों, लाभ प्रतिशत बराबर होता है, याद कर लीजिएगा अच्छे से, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हमेशा बटे में बच्चों, चाहे हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए चाहे लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, बटे में क्या होगा क्रय मूल्य ही होगा, ठीक है ध्यान रखिएगा आप लोग। तो लाभ कितने रुपए का लाभ हुआ, 1,530 रुपये का लाभ हुआ है, 100 का गुणा होगा, क्रय मूल्य कितना था उसका 10,200 रुपये था, 20 इससे कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इसको हल करेंगे, तो ये किससे कटेगा बच्चों, 2 से कट जा रहा, 2 5 10, 2 1 2, फिर ये 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, अभी बच्चों 51 से डायरेक्ट कट जाएगा, 51 भाग दे के देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 15, तो ये हो गया उसे 15% प्रतिशत लाभ है। तो प्रतिशत ये जो निशान है टेढ़ा लाइन और उसके अगल बगल दो बिंदी बच्चों, ये प्रतिशत का निशान है, अतः उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, 15% उसे क्या हुआ लाभ हुआ। उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा, अतः उत्तर उसे 15% का लाभ हुआ, ठीक है। उसे प्रश्न ने पूछा ना कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो उसे 15% का लाभ हुआ। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे, दूसरा प्रश्न है बच्चों, एक व्यापारी ने 10 बैल 3,00,000 रुपए में खरीदे और उसे
और यदि उसे 24,000 रुपये प्रति बैल के हिसाब से उन्हें बेचना पड़ा तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, उसने 10 बैलों को खरीदा था तो 10 का भाग जाएगा तो एक बैल इसका कितने का पड़ेगा जो है वो पड़ेगा 30,000 रुपये का, एक जीरो हट जाएगा ना, तो हट जाएगा तो ये कितने का पड़ेगा 30,000 रुपये का पड़ेगा। और बेचा उसने कितने में, 24,000 रुपये में बेच दिया, तो निश्चित रूप से उसको क्या होगी, हानि होगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए जो है देखिए देखते हैं कैसे हल करेंगे बच्चों। बच्चों जो दिए है सबसे पहले उसे हमें लिखना है। तो दिया हुआ है क्या कि 10 बैलों का मूल्य, मूल्य कितना दिया हुआ है 3,00,000 रुपए दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, एक बैल का मूल्य जो उसने बेचा है, एक बैल का विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है बच्चों। ठीक है, ये विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, एक बैल का 24,000 रुपए ना, तो 10 बैल का निकाल लेते हैं ना, तो 10 बैल का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसमें 10 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24,000 गुणे 10 बराबर क्या आ जाएगा, 2,40,000। ठीक है, ये रुपए का निशान हो गया आगे, रुपए का निशान बच्चों आगे ही हमेशा लगाया जाता है, पीछे नहीं लगाया जाता। ठीक, अब चूंकि विक्रय मूल्य जो है वो कम है क्रय मूल्य की तुलना में, तो इसका मतलब है क्या होगा, हानि होगी। तो लिख दीजिए यहां क्रय मूल्य अधिक व विक्रय मूल्य कम है अतः हानि होगी। समझ में आ रहा ना, क्रय मूल्य मतलब खरीदने का, विक्रय मूल्य मतलब बेचने का। ठीक, तो अब हानि बराबर क्या फार्मूला हमने पढ़ा है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य, क्योंकि हमने ज्यादा में खरीदा है, माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, तो क्रय मूल्य कितना है, 3,00,000 रुपए है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, और यहाँ पे 2,40,000 रुपये उसका बेचने वाला मूल्य है, तो कितना घट के आ गया, 60,000 रुपये बचा। तो ये 60,000 रुपये जो है वो हानि उसको हुई पूरे 10 बैलों को बेचने में। अब हानि के अलावा हमें दिया है प्रश्न में कि हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत का फार्मूला अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, जो हमें ज्ञात करना है वो यहाँ लिख जाएगा बच्चों, गुणे के में 100 का निशान, गुणे के बाद 100 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, हमेशा क्रय मूल्य, लाभ है तो लाभ हो जाएगा, हानि है तो हानि हो जाएगी। याद हो गया ना फार्मूला आप लोगों को, तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 60,000 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना था, 3,00,000 था, एक जीरो कम है यहाँ, एक जीरो और आएगा। ठीक है, अब इसमें से कैंसिल होगा, तो ये जीरो, एक दो, दो जीरो इसके कट गए, एक दो तीन, एक दो तीन, फिर तीन से कटेगा, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, यानी कितना आ गया हानि प्रतिशत, 20%। तो उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा, अतः उसे 20% की हानि हुई। समझ में आ रहा है ना, उत्तर है ये आपका, अलग से आप इसे लिखिएगा। ठीक है, तो इसमें हानि वाला फार्मूला लगा और हानि प्रतिशत हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। हानि कब होगी, लाभ कब होगा, ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 रुपए में खरीद करके 14.5% लाभ लेकर राकेश को बेचता है, राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी। तो ये इसमें हमें ज्ञात करना है कि कितने रुपए में खरीदी, खरीदी मतलब क्रय मूल्य, उसका खरीदना मतलब क्रय करना मतलब उसका हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, और दिया हुआ है कि जिसको बेचा है उसको 14.5% लाभ लेकर के इतने रुपए में बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसका लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, और हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमें अलमारी का जो है वो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, नहीं कितने रुपए में बेचता है, अलमारी कितने रुपए में खरीदी, तो राकेश ने अलमारी खरीदी मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना है। नहीं बच्चों, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया है, एक
फर्नीचर विक्रेता अलमारी 5,000 रुपये में खरीदता है, यानी क्रय मूल्य तो 5,000 दिया है, और 14.5% लाभ लेकर के राकेश को बेच देता है ना, तो राकेश को उसने कितने रुपए में बेची कहा जाए, ये है। तो राकेश को 14.5% लाभ, ये उसका क्रय मूल्य है, ये लाभ प्रतिशत है, और हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि राकेश को कितने रुपए में बेची। इसमें प्रश्न में उल्टा लिख दिया कितने रुपए में खरीदी, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था मुझे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बच्चों, क्रय मूल्य है, ठीक, लाभ प्रतिशत है, और विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। आइए देखते प्रश्न को कैसे हल करना है। बच्चों जो चीज दी हुई है उसे हम सबसे पहले नोट कर लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, अलमारी का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपये अलमारी का क्रय मूल्य दिया हुआ है, और लाभ दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत में दिया हुआ है, 14.5% का लाभ हुआ है, तो लाभ बराबर दिया हुआ किसका, 14%, जो हमारा क्रय मूल्य है 5,000 इतने का, 14.5% जो है वो क्या हुआ, उसको लाभ हुआ है, तो बराबर क्या हो जाएगा, ₹5,000, ठीक, और 14 × 28 और 29/2%, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब प्रतिशत का निशान हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, 5,000 × 29/2, प्रतिशत का निशान हटता है तो 1/100 आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। ये प्रतिशत का निशान हम लोगों ने हटाया, उसकी जगह पे क्या रख दिया, 1/100, ठीक। तो ये 2 जीरो हट जाएंगे, कट जाएंगे इससे, फिर 2 से कटेगा, 2 × 1 = 2, 25 × 2 = 50, 25 × 29, तो 25 × 29 करेंगे, तो 25 × 29 करिए तो आ जाएगा कितना, 725 रुपये, ठीक है, 725 आ गया। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो अलमारी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हमें लाभ पता चल गया है इतना, खरीदे कितने में थे, 5,000 में, तो विक्रय मूल्य तो बहुत ही आसान है, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। क्रय मूल्य कितना था हमारे पास में, 5,000 रुपये था, लाभ कितना हुआ, 725 रुपये का उसका लाभ हुआ, तो कितने की अलमारी पड़ी हमें, 5,725 रुपये की अलमारी जो है वो राकेश ने खरीदा। तो आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा, अतः राकेश ने अलमारी, रुपए का निशान लगेगा, 5,725 रुपये में खरीदी, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, इस अभ्यास के आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट लेक्चर में हल करेंगे, और आपको मेरा वीडियो मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं कल।